ओके बेटा, आज जो है आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड करेंगे, जो है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, यानी विषमता जो है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। अब मैं जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि एक दूसरे से टचिंग है सारे ही, वैसे ही बेटा यहाँ पे भी आपके मेन मीडियन मोड जो है, पार्टीशन, ये सारी चीजें यहाँ पे भी यूज होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप स्टडी आउट करोगे कि इसको बोलते क्या है, विषमता होता क्या है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक बार कुछ आ रहे हैं बच्चे, उनको एडमिट कर दूं। हाँ जी, क्या है स्क्यूनेस? मींस लैक ऑफ सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी विषमता का जो शब्द है इसका बेसिकली अर्थ क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी यानी आपकी जो आवृत्ति, आप हिंदी में बोलते हो ना बेटा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में असिमिति के अभाव से है, यानी सिमिट्री का जब लैक हो, वहां पे कमी हो, ठीक है, दैट इज अ स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस के रिगार्डिंग अलग अलग ऑथर्स ने, जो मैं स्टैट्स के हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं। आप इनमें से कोई भी जो आपको बेस्ट कोटेशन लगे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे दिस वन कोटेशन कहता है, व्हेन अ सीरीज इज नॉट सिमिट्रिकल इट इज सैड टू बी असिमिट्रिकल, मतलब ना वो स्क्यूड कहलाएगी, जब वो सिमिट्रिकल नहीं होगी, नॉट सिमिट्रिकल, कोई भी सीरीज जो आपको गिवन दे रखी है तो वो स्क्यूड कहलाएगी, यानी विषमता कहलाएगी वो। हिंदी में अगर इसको कहा कहा जाए तो जब एक श्रेणी सममितीय न हो तो उसे असममितीय या विषमता वाली श्रेणी कहा जाता है। जो तुम्हें इसमें बेस्ट लगे बेटा, अच्छी लगे, वो कोई भी एक या दो कोटेशन प्रिपेयर कर लेना। अब इसको बेसिकली यहाँ पे डायग्राम से भी शॉर्ट आउट किया गया है जो आपको नॉलेज में होना चाहिए, कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप इसकी डेफिनेशन और साथ में इसको शो आउट कर सकते हो। जैसे इसको 3 पार्ट्स में स्टडी आउट किया गया है, सिमिट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब प्रॉपरली हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो ये, और वो सिचुएशन क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, जब आपका मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, जब तीनों ही इक्वल हो तो वो सिमेट्रिकल सममितीय वितरण कहलाता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इस कंडीशन में ये सारी ही वैल्यूज क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, विषमता वाला, जब आपका क्या हो, अब स्क्यूड जो होता है वो 2 तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में क्या होगा, इन अ पॉजिटिव केस जब मीन मीडियन से ज्यादा हो और मीडियन मोड से ज्यादा हो, तो ये जो डायग्राम आप शॉर्ट आउट कर रहे हो बेटा, देख रहे हो, तो इसमें आपको क्लैरिफाई हो रहा है, ऊपर वाले डायग्राम से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कैसे ये इस साइड पूरा स्लोप इसका जा रहा है। ठीक है, तो ये इस साइड अगर स्लोप्ड होगा तो ये पॉजिटिव को दिखाएगा, इसके अपोजिट स्लोप्ड होगा, आप देखो नेक्स्ट डायग्राम में, तो वो नेगेटिव को दिखाएगा। ठीक है, यस मैम, तो ये यस मैम, थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा सारा, जो आपने यहाँ पे स्टडी आउट करना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए सारा। मेन तो आपका इसका मैथमेटिकली पोर्शन आएगा, जस्ट अ मिनट, फिर इसमें डिफरेंस भी पढ़ लेना, क्योंकि अभी इससे पहले वाला टॉपिक आपने क्या पढ़ा है, डिस्प्रेशन पढ़ा है, तो आपको स्क्यूनेस भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, फिर इसके टेस्टिंग के ये बताएं, ये सारा रीड आउट करने का है। यहां से आपका जो मेन मैथमेटिकली पार्ट है वो स्टार्ट होता है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। इसको आप कैसे मेजर कर सकते हो बेटा, बेसिकली 3 मैथड्स हैं इसको मेजर करने के। फर्स्ट वन इज कार्ल पियर्सन्स मेथड, सेकंड वन इज बाउलेज मेथड, थर्ड वन इज कैलीज मेथड। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑथर्स के नाम पर ही मेथड्स को लिखा गया है, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो टर्न वाइज टर्न हम वन वन मेथड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वन मेथड हम उठाते हैं कार्ल पियर्सन्स मेथड, ये प्रोफेसर कार्ल पियर्सन्स के द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नेम पर इसको रखा गया। इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, आपको मीन चाहिए, मीडियन चाहिए और मोड चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए।
ओके, इन दैट केस इन सब चीजों में से क्या चीज अगर लैक हो या कमी हो तो दूसरी चीज का भी फॉर्मूला इसमें कैलकुलेट किया गया है। अगर नीचे आप टेबल को ध्यान से देखो बेटा, टेबल में दिया गया है एस और इसकी टेल के पास के शॉर्ट आउट किया गया है, तो ये स्क्यूनेस का साइन शॉर्ट आउट करता है। इज इक्वल टू मीन एक्स बार माइनस में जेड क्या दिखाता है, मोड यानी बहुलक। बेसिकली फॉर्मूला इसका है मीन में से अगर मोड आप निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप स्क्यूनेस बता सकते हो उन दैट दैट केस। ठीक है, अदर केस अगर आपके पास मीन तो है लेकिन बेटा मोड की वैल्यू नहीं दे रखी, आप सिर्फ ये फॉर्मूला प्रिपेयर कर लो लेकिन आपको क्वेश्चन में मीन के साथ मीडियन दे रखा हो, तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे इन दैट केस अगर आपको जेड यानी मोड ना दिया गया हो। अगर आपको क्वेश्चन में मीन और मोड दे रखा है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला ऑप्ट करोगे और इसी का कोफिशियंट निकालोगे, यानी इस वैल्यू को हम स्टैंडर्ड डेविएशन से और डिवाइड कर देंगे। इन अदर केस अगर आपको मोड ना दिया जाए तो हम मीडियन वाला फॉर्मूला ऑप्ट करेंगे और वो फॉर्मूला हो जाएगा एस टेल के पास के इज इक्वल टू थ्री ब्रैकेट में मीन यानी एक्स बार माइनस में एम मीडियन। तो आप इस फॉर्मूले को ऑप्ट करोगे और इसका भी कॉफिशियंट निकालोगे तो बाई में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली आपको इन फोर वैल्यूज में से थ्री वैल्यूज पता होनी चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम, यस मैम। ओके, तो ये है बेटा फर्स्ट इसका कार्ल पियर्सन्स। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देने योग्य है वो ये है बेटा कि इसकी जो वैल्यू आती है कार्ल पियर्सन्स की, ये माइनस वन और प्लस वन के बीच में आएगी, यानी आपकी पॉइंट्स में वैल्यू आएगी कुछ, ठीक है। लेकिन अगर मोड के अकॉर्डिंग आप अनिर्धारणीय वैल्यू करते हो, जब आपको मोड डिफाइन न किया जाए तो आपकी वैल्यू माइनस थ्री और प्लस थ्री के बीच आएगी। ये डेफिनेटली है इनके आंसर का कि इनके बीच में ही इनका आंसर आता है। ओके, अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पर। बेसिकली जैसे लास्ट फॉर्म हमने किया था, ये इंडिविजुअल सीरीज में नहीं शॉर्ट आउट किए जाते हैं, इनको डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको वैसे भी बताया था बेटा कि इंडिविजुअल सीरीज तो बहुत ही रेयर होता है कि दी जाती है एग्जाम में भी, क्योंकि वो मोस्ट इजी होती है इन तीनों सीरीज में। तो बेसिकली डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज को ही ऑप्ट किया जाता है। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, आपको x की वैल्यूज गिवन है बेटा, f की वैल्यूज गिवन है, यानी फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है और आपको x के डाटाज भी गिवन है। ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं होगी क्योंकि वहां पे आपको नंबर ऑफ पर्सन शॉर्ट आउट नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज भी हो सकती है, तो आप इन दैट केस आप क्या कर लोगे, इसकी m और निकाल लोगे। मैं साथ साथ बता रही हूँ इन दोनों केसेस को, ओके। और अगर डिस्क्रीट सीरीज है, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो बेसिकली आप सिर्फ x और f, जो x आपको ऑलरेडी गिवन है उसी का ही यूज करो। अब क्योंकि आपको निकालना है स्क्यूनेस, विषमता यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो आपको बेटा x और f की वैल्यूज गिवन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले मीन निकाल लोगे। अब मीन निकालने के लिए आपके पास दो या तीन मेथड्स है, इज योर चॉइस। एक्चुअल मीन से निकालोगे। मैम मैम, किसी का माइक ऑन है, एक बार बोल दो, बंद कर ले। ओके बेटा, जिसने अपना माइक ऑन कर रखा है म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। जब आपको आंसरिंग करवाऊं बेटा, पूछू, तब ऑन कर लिया करो। ओके, बंद कर लीजिए अपना माइक, आपके बैकग्राउंड में जो आवाज है ना बेटा, वो डिस्टर्ब कर रही है। ओके, ठीक है बेटा। तो देन वी कैलकुलेट सेम जैसे हमने मीन के निकाले थे, वैसे ही आप यहाँ पे मीन निकाल लोगे। ओके, शो रहा है स्क्रीन? यस मैम।
आपको x दे रखा है, f दे रखा है, तो आप यहाँ पे बेसिकली इन्होंने d वाले उससे निकाली है, यानी कौन सा मेथड होता है ये, अज्यूम्ड मीन। जब हम a को अज्यूम कर लेते हैं, d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एफ डी निकालते हैं, एफ डी स्क्वेयर निकालते हैं और इस फॉर्मूला में हम रख देते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो कौन सी सीरीज दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज आपने ये देखना है कि कौन से मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आप डिस्क्रीट सीरीज में अज्यूम मीन वाले से मीन निकाल रहे हो, तो आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालोगे तो उसमें भी वही वाला ही यूज करना मेथड, ओके। किसी में कोई ऐसे ऑप्ट मत करना। अब यहाँ पे मुझे ये आपको बार बार कैलकुलेट करके और बताने की नीड नहीं है बेटा कि आप x की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे, मीन कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे। निकाल लोगे ना? यस मैम। किसी को है क्वेरी कि कैसे निकलेगा? यस बेटा। मैम बताने की जरूरत नहीं है ना? नो मैम। ओके, क्योंकि बेटा ये सेम वही बार बार चीजें निकालनी है आपने, कहीं मीन कहीं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हो रहा था, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। अब आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको तीन चीजें मस्ट चाहिए, क्या क्या? मीन चाहिए, मोड चाहिए और क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अगर आपको कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे मोड की वैल्यू ना निकले तो आप वहां पे मीडियन निकालोगे, ओके। तीनों चीजें कैलकुलेट हमने, ये तो निकाल सकते हो मोड, ओके, और इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद, जस्ट अ मिनट बेटा, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुटिंग कर दी है। मीन आपने निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला, मोड आपने निकाला और गिवन फॉर्मूले में आपने पुटिंग कर दी। अब यहाँ पे इन्होंने सीधा ही फॉर्मूले में रख दिया है, कोफिशिएंट वाले में। आप हालांकि टू स्टेप्स शो जरूर करना बेटा, फर्स्ट स्टेप में आप सिर्फ मीन में से मोड को सब्ट्रैक्ट करना, एक वैल्यू जो आ जाएगी, फिर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना और स्क्यूनेस का कोफिशिएंट लेना, ओके। यस मैम। कोई डाउट या क्वेरी है? अब मैं जैसे आपको अभी बता रही थी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज हो बेटा, इन दैट केस जब आपको इंटरवल्स शो आउट किए जाएं, 5 to 10, 10 to 15, इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे, मिड वैल्यू यूज करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बाकी प्रोसेसिंग वैसे ही रहेगी, ओके। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में हम डी की वैल्यू तक निकाल लेते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम डी डैश के अकॉर्डिंग निकालते हैं। और ये कौन सा वाला फॉर्मूला दिखाता है, क्या आपको याद है कौन सा फॉर्मूला होता है ये? स्टेप डेविएशन। यस मैम। तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है मीन निकालने के कितने फॉर्मूलास हैं, उनमें से आपने कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप कौन सा यूज कर सकते हो, डिस्क्रीट सीरीज में कौन सा यूज कर सकते हो। और बेसिकली बेटा जितने ये बाद के क्वेश्चंस हैं इनमें अज्यूम्ड मीन, डी डी डैश, ये वाले फॉर्मूले ही यूज होते हैं, 99% होते हैं, ओके। क्योंकि ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज दोनों में यूज किया जा सकता है। ये था फर्स्ट आपका, क्लियर है मेथड। सेकंड मेथड आता है बेटा बाउले विधि, प्रोफेसर बाउले ने दी थी। और ये जो है फर्स्ट जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमें मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन चार चीजों की नीड थी। और उन चार में से भी दो ऑप्शनल थे, या तो मोड हो आपके पास, जेड की वैल्यू अवेलेबल हो, या मीडियन की वैल्यू अवेलेबल हो। बाउले मेथड क्या कहता है कि हमें मीडियन तो मस्ट चाहिए, एम की वैल्यू, देन सेकंड वन इज क्वार्टल्स जो आपने चतुर्थक किए थे, क्यू वन और क्यू थ्री की वैल्यू, इनके ऊपर बेस्ड है। तीनों ही मेथड पीछे वाले अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेगा। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बाउले मेथड का,
आपको इन सबके फॉर्मूलाज भी बिल्कुल टिप्स पे ध्यान होने चाहिए बेटा. वही सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा. क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम. एम क्या दिखाता है यहाँ पे? मीडियन को दिखाता है, मध्यका को दिखाता है. और अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्यू थ्री माइनस क्यू वन और आ जाएगा. यानी ऊपर एडिशन कर रहे हो तो नीचे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये बाउले मेथड है. अब बाउले मेथड भी वही डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंतर्गत जब आपको वैल्यूज दी जाएंगी तो आपने मीडियन निकालना है, क्वार्टल्स निकालना है और उनकी वैल्यूज फॉर्मूला में रखनी है. दैट्स इट. ये देख लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है, आपको क्वार्टल्स की वैल्यू चाहिएगी, मीडियन की वैल्यू चाहिएगी. तो एक्स और एफ आपको गिवन होगा, चाहे वो इंडिविजुअल सॉरी चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज. अब ये निकालने की आप निकालना सीख चुके हैं क्वार्टर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं. सारी वैल्यूज कैलकुलेट की गई है लास्ट में फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में पुट की गई है. ओके, सीरीज में भी इसको दिखाया गया. इस पीडीएफ में मैंने एग्जाम्पल इनका दिया है ताकि आप बाद में सिर्फ क्वेश्चन उतारो और फिर अपने उसको कैलकुलेट करो, फिर इससे मैच करके देखो कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं है. ओके, कर लोगे ना बेटा? ये एग्जांपल्स क्वेश्चंस भी नीचे. देन लास्ट मेथड है इसमें कैली मेथड. अब प्रोफेसर कैली जो है बेटा, क्वार्टल्स की जगह क्या ले रहे हैं यहाँ पे? परसेंटिल्स और डेसिल्स. ये दो फॉर्मूला शॉर्ट आउट कर रहे हैं. वॉइस है आपकी, आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दोनों में मस्त. अब आप डिफरेंस देख लो तीनों ही फॉर्मूलास में. एक में मीन मीडियन मैम. यस मैम, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा माइक बेटा. इस बच्चे का माइक ओपन है पर मैम ज्योति बोला है. ज्योति यस मैम. बेटा आप अपना म्यूट करो आप अपने आप को. ओके मैम, अब ठीक है? यस मैम. ओके बेटा, जब मैं आपसे आंसरिंग करूँ ना तब अपने आप को अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है? स्टार्टिंग में मैं आपको बोल देती हूँ, इतने म्यूट कर लिया करो क्योंकि आपके बैकग्राउंड में कुछ भी आवाज होगी, आपसे कोई बात करेगा या कुछ भी, तो वो सारा यहाँ पे डिस्टर्ब होगा क्लास में. ओके, नाउ वी डिस्कस, हम कर रहे थे कैली मैथड बेटा, कि कैली मैथड में परसेंटियल्स और डेसिल्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एस के इज इक्वल टू पी. और इसके बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, पी के साइड में 90 लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाता है. इन फॉर्मूलाज को बड़ा ध्यान से और लिखने में भी ध्यान देना है. जो चीज उनकी टेल के पास यानी नीचे शॉर्ट आउट करके पी, पी की टेल के पास 90 प्लस में पी टेल के पास 10 माइनस 2m. अब आपको पता है परसेंटियल मैक्सिमम कितनी वैल्यूज को कैलकुलेट करता है बेटा? किसी एक चीज को हम इक्वल 100 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो दिखाता है परसेंटियल्स को. और डेसियल क्या दिखाता है? किसी एक चीज को हम इक्वल 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. यस मैम. तो इसका फॉर्मूला यह आ जाता है D9 प्लस में D1 माइनस 2m. अब आपकी चॉइस है, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि परसेंटियल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करो या कैली मेथड शॉर्ट आउट करो, तो तुम दोनों से भी कैली मेथड को दिखा सकते हो, टाइम है तो. और दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा कितने नंबर का क्वेश्चन है और उसका कॉफिशियंट भी निकालोगे. अब तुम्हें वही चीज है, यहाँ पे भी परसेंटियल्स निकालना, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज हो. जस्ट अ मिनट, ये देखिए जैसे आपको ये दे दिया है, क्वेश्चन में कहा जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आपको दे रखा है, गिवन ब्लो फाइंड कैलीज कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन किस पे होना चाहिए? परसेंटियल्स. अब यहाँ पे कहा गया है
कि परसेंटियल्स के अकॉर्डिंग निकालना है तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, ओके? नहीं तो क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा जाए कि कैलिस कोफिशियंट निकालिए या कैलिस मेथड अप्लाई कीजिए स्क्यूनेस का, तो आपकी चॉइस है चाहे आप परसेंटियल्स वाला उठाओ बेटा, चाहे डेसियल्स वाला उठाओ. इज इट क्लियर? यस मैम. कर लोगे ना, क्योंकि अब इनको परसेंटियल्स निकालना, डेसिल्स निकालना, ये सब मैं आपको बड़ा ही डिटेल में अच्छे से समझा चुकी हूँ, ओके? यस मैम. तो ये सारी ही, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ बेटा कि पहले इनको ध्यान से अभी कर ले ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए. तो आज आप स्क्यूनेस करोगे. स्क्यूनेस के अंतर्गत ये तीन ही मैथड है और इन तीनों मैथड्स के पर्टिकुलर या तो डिस्क्रीट सीरीज में या कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? करना क्या है, बेसिकली आपको इनके फॉर्मूला ही प्रिपेयर करने हैं. फर्स्ट एक एक जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, इनके मेरिट डीमेरिट्स वगैरह जो दे रखी है थ्योरेटिकल पार्ट वो पता होना चाहिए. बाकी कैलकुलेशन तो सेम वही है जो आप लास्ट चैप्टर्स में करके आए हो, ओके? तो आज के लिए आपका यही टॉपिक, इतना ही कीजिए बेटा.